आप देख रहे हैं बीएनएम भारत लाइव। नमस्कार, स्वागत है आपका बीएनएम भारत लाइव में। जनपद बुलंदशहर क्षेत्र के थाना खुर्जा नगर क्षेत्र से एक दंपति अपने मासूम बच्चे के साथ इंसाफ पाने के लिए एसएसपी दफ्तर पहुंचा, साथ ही एसएसपी से इंसाफ की गुहार लगाई। जानकारी के अनुसार पीड़ित व्यक्ति ने बताया कि वह खुर्जा नगर क्षेत्र मोहल्ला कोर्ट का रहने वाला है। पीड़ित व्यक्ति बीते दिन 9 सितंबर को करीब सुबह 10 बजे अपने घर पर था, तभी रईस और शकील पुत्रगढ़ अपने अन्य साथियों के साथ पीड़ित के घर घुस गए और गाली गलौज करने लगे। जब पीड़ित ने उसका विरोध किया तो पीड़ित व उसकी पत्नी के ऊपर लाठी डंडों से हमला कर घायल कर दिया। साथ ही पीड़ित ने बताया कि लोहे की रोड से उसके सर पर वार किया गया, जिससे कि वे लहूलुहान हो गया और 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी थी। लेकिन जब तक रईस और उसके अन्य साथी मौके से फरार हो गए थे, सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ तहरीर लेकर कार्रवाई शुरू कर दी थी। लेकिन एसएसपी दफ्तर पहुंचे पीड़ित ने बताया कि थाने में कोई सुनवाई न होने के बाद वह इंसाफ पाने के लिए आज एसएसपी दफ्तर आया है और एसएसपी साहब को तहरीर देकर कार्रवाई करने की मांग की है। बुलंदशहर से इमरान सैफी की रिपोर्ट। यूसुफ सीमा खुर्जा रहने वाला हूँ। जय हिंद सर, एफसी ऑफिस अपनी दरखास्त के लिए आया हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। चार लोग मेरे घर में जबरदस्त मेरे घर में घुसे और उन्होंने जो ना मेरे पीछे मारपीट कर दी। मारपीट करने के बाद में एक रॉड भारी सी उठाई, लोहे की, मेरे सर में मार दी, मैं बेहोश हो गया। मेरी बीवी ने विरोध करा तो उसको भी घायल कर दिया, उसकी बीवी ने लक्ष्मी नसरीन ने, तो उसके बाद में भी लोगों ने कोई हमें बचाने की कोशिश नहीं करी। उसमें फिर मैं घायल होने के बाद में मैं बेहोश हो गया, कोई भी हमारे उठाने को मुहसर नहीं हुए। मैं पड़ा रहा वहाँ पे एक घंटे तक, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई भी सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद में हम वहाँ गए अस्पताल में, कोतवाली में से सिपाही गया। सिपाही जाने के बाद में हम गए वहाँ पे हॉस्पिटल में हमारी रिपोर्ट हुई। रिपोर्ट होने के बाद में थाने में शिकायत लेके गए थे। हाँ, थाने सुनवाई हुई आपकी? नहीं हुई, कोई सुनवाई हुई नहीं। आज एसएसपी साहब से मिले तो वो हमें इंसाफ दिला में, वो उनकी मेहरबानी होगी। मेरे छोटे छोटे तीन बच्चे हैं, मेरे सर में 4-5 टाँके हैं। चाहे तो आप रोक लो, मैं इंसाफ की कह रहा हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए।